and includes. Means and includes. देखो तो सेक्शन 3 को अगर हम देखें तो एविडेंस का मतलब है तीन चीजें. पहला स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. राइट, तो सेक्शन 3 कहता है व्हाट एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स. पहला स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, राइट, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आते हैं. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझेंगे कि एविडेंस क्या है विथ प्रॉपर नोट्स, एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज, और साथ ही हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं विथ प्रॉपर नोट्स. तो अगर आप वीडियो में नए हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ. साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने के साथ साथ समझने के साथ साथ नोट्स भी बनाया जाएगा. अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है लॉ ऑफ एविडेंस का, व्हाट इज एविडेंस एंड व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स, इसके लिए कोई अदर वीडियोस आपको नहीं देखना पड़ेगा. और अगर आप वीडियो में नए हो और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस को समझना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि एविडेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन कौन से सेक्शंस हैं और कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं. ये लॉ ऑफ एविडेंस का दूसरा वीडियो है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन को जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है. डिफाइन एविडेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस. देखो अगर हम बात करें एविडेंस क्या है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 3 है वो एविडेंस के बारे में बात करता है. सेक्शन 3 एविडेंस को डिफाइन नहीं करता है, ये केवल ये बताता है कि एविडेंस में कौन कौन से चीज़ें आती हैं. राइट, तो सबसे पहले आप लिखोगे सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड एविडेंस, द वर्ड एविडेंस. राइट, और अब आप लिखोगे कि सेक्शन 3 ये कहता है वर्ड एविडेंस, द वर्ड एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स. देखो तो सेक्शन 3 को अगर हम देखें तो एविडेंस का मतलब है तीन चीजें. पहला स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. राइट, तो सेक्शन 3 कहता है व्हाट एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स. पहला स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, राइट, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आते हैं. तो सेक्शन 3 कहता है एविडेंस इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. राइट, आप देखो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस से क्या मतलब है. देखो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस से मतलब है उन सभी विटनेसेस का स्टेटमेंट. इट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ ऑल दोज विटनेसेस whom court direct, जिन्हें court direct करता है, या to whom court permit, जिन्हें court permit करता है to be presented before the court, कि वो court के सामने present हो. In relation to fact and issue, उन सभी witnesses के statement के बारे में बात किया जा रहा है.
तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस का मतलब होता है ऑल दोज स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस विच कोर्ट परमिट, जिन्हें कोर्ट परमिट करता है टू बी प्रेजेंटेड बिफोर इट इन रिलेशन टू मैटर इन इशू या फैक्ट इन इशू। ठीक है, ये मैटर इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, इसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस लॉ में डिटेल में कवर किया हुआ है। राइट, अभी हम आगे सेक्शन 3 में जो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं उन्हें भी हम समझेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल यही समझेंगे कि एविडेंस क्या है और क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस हैं। राइट, तो आपने देखा कि सेक्शन 3 कहता है कि एविडेंस मतलब तीन चीज़ें, कौन कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस का मतलब है उन सभी विटनेसेस का स्टेटमेंट जिन्हें कोर्ट परमिट करता है टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू। ठीक है, ओके। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एविडेंस मीन्स थिंग्स इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। तो अगर आप इस डेफिनेशन को और भी इलाबोरेट करो तो आप ये कह सकते हो थिंग्स इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेकिंग अदर थिंग्स क्लियर। कॉल्ड एज एविडेंस, वो क्या है, एविडेंस। ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि थिंग्स इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेकिंग अदर थिंग्स क्लियर और एविडेंट कॉल्ड एज एविडेंस, क्या कहलाएगा, एविडेंस कहलाएगा। ठीक है, ओके। देखो, जो वर्ड एविडेंस है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड एविडेरा से। द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेरा। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू मेक थिंग्स क्लियर और एविडेंट, यानी चीज़ों को क्लियर करना, चीज़ों को स्पष्ट करना, एविडेंस कहलाता है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि आप जानते हो कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसका पर्पज़ क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि लॉ ऑफ एविडेंस के तहत हम क्या करते हैं, केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ एविडेंस बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोर्ट में केवल रेलेवेंट फैक्ट्स लेकर के आते हैं, यानी केवल हम उन्हीं फैक्ट्स को लेकर के आते हैं जो किसी ना किसी मैनर में फैक्ट इन इशू से रिलेशन रखते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को लेकर के आ सके जिनसे हम क्या करें, केसेस को सॉल्व कर सके और जो कोर्ट है उसका वैल्यूएबल टाइम खराब ना हो। और कोर्ट, क्योंकि जो कोर्ट है वो अलाउ करता है केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस या जो एविडेंस एक्ट है वो बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि जो कोर्ट है वो केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट बाई मीन्स ऑफ विच रेलेवेंट फैक्ट्स आर टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ओके। अब देखो, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करते हैं, ताकि हम कोर्ट में रेलेवेंट फैक्ट्स को लेकर के आए,
कहीं ना कहीं वो जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो इन्हीं में से आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो टेलर किस तरह से एविडेंस को डिफाइन करते हैं, आइए समझते हैं। टेलर, देखो टेलर कहते हैं कि जो एविडेंस है ये कहते हैं कि ऑल मींस एंड थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। which tends to prove or disprove any matter, fact, आगे आप लिखोगे submitted before the court for judicial investigation। ठीक है, ओके। तो टेलर कैसे डिफाइन करते हैं एविडेंस को, ये कहते हैं कि एविडेंस इज ऑल मीन्स, वो सभी संसाधन, वो सभी रिसोर्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रोड्यूस किए जाते हैं, विच टेंड्स टू प्रूफ और डिसप्रूफ एनी मैटर, जो किसी मैटर या किसी फैक्ट को प्रूफ या डिसप्रूफ करते हो, विच आर सबमिटेड बिफोर द कोर्ट फॉर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, कॉल्ड एज एविडेंस। क्या कहलाएगा? एविडेंस कहलाएगा। या आप कह सकते हो कि एविडेंस इज ऑल द मींस, ये वो सभी रिसोर्सेस हैं थ्रू विच, जिसके थ्रू और विच हैविंग द पावर टू अफेक्ट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। एविडेंस क्या है? एविडेंस इज ऑल द मींस विच हैविंग द पावर, जिसके पास क्या है, पावर है टू अफेक्ट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कॉल्ड एज एविडेंस। वो क्या है? एविडेंस। ठीक है, और जब भी एविडेंस लाया जाएगा वो किन फॉर्म में लाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्लियर। चलिए, आई होप एविडेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक एग्जांपल से हम एविडेंस को और भी अच्छे से समझेंगे। तो हमने जाना कि जो सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो हमें एविडेंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करता, वो केवल कहता है द वर्ड एविडेंस इंक्लूड्स, जो एविडेंस है वो क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेगा। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखो कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 द वर्ड एविडेंस इंक्लूड्स इसमें पहला है ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट और विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट विच इज अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज ओरल एविडेंसेस। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि पहला ऑल स्टेटमेंट्स विच कोर्ट परमिट्स, जिन्हें कोर्ट परमिट करता है,
which court permits, right? All statements which court permits or which is required to be presented before the court, in relation to fact in issue under inquiry, ठीक है। और ये जो भी statements होंगे, इन सभी statements को हम कहेंगे oral evidences। क्या कहेंगे? Oral evidences कहेंगे। All such statements are called as, and such statements, और ये जो statements हैं are called as oral evidences, ठीक है? Okay, तो पहला point ये कि all statements, सभी statements which court permit, जिन्हें court permit करता है, और which is required to be presented before the court in relation to fact in issue under inquiry, and all such statements, वो सभी जो statements होंगे, they are called as oral evidence। क्या कहलाएंगे? Oral evidence कहलाएंगे, ठीक है? Okay, आप देखो दूसरा क्या है। दूसरा है ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो सभी डॉक्यूमेंट्स दूसरा ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है? तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स including electronic records produced before the court for the purpose of inspection by the court, ठीक है? और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। तो यानी जो हमारा एविडेंस है, उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मतलब है वो सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट, ठीक है? तो ये है आपका एविडेंस, ठीक है? नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स है विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि देखो जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो क्या है। आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ एविडेंस इज नथिंग, बट कलेक्शन ऑफ, इट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स है, इट इज द कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ फॉर डिक्लेयरिंग, ये डिक्लेयर करने के लिए कि ओनली रेलिवेंट फैक्ट्स आर टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, ठीक है? ओके, तो आप लिखोगे कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स। ये क्या है? जनरल रूल्स का एक कलेक्शन है विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग और फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग for the purpose of declaring, ये declare करने के लिए कि only relevant facts are to be brought before the court, court में केवल relevant facts ही लेकर के आए जाएंगे, for declaring that what things are to be taken without proof, ये declare करने के लिए कि किन किन चीज़ों को court में बिना proof के accept किया जा सकता है, जिन्हें हम judicial notice कहेंगे, यानी what are the facts, for declaring that what are the facts which are to be presented before the court and which need not required any kind of further evidences।
जिन्हें प्रूफ करने के लिए हमें कोई फर्दर एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर डिक्लेयरिंग दैट व्हाट थिंग्स आर टू बी टेकन विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, ओके। फिर कहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस के प्रोडक्शन के लिए ये क्या एक जनरल रूल्स है। लॉ ऑफ एविडेंस इज द कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग दैट ओनली लीगल एविडेंसेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड, केवल हम लीगल एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे। एंड लास्ट आप लिख सकते हो फॉर एक्सक्लूजन ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों के एक्सक्लूजन के लिए विच आर नॉट लीगल, जो कि क्या है, लीगल नहीं है, ठीक है, ओके। तो हमने जाना कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ जनरल रूल्स, ये क्या है, जनरल रूल्स का एक कलेक्शन है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। पहला कहता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग कि ओनली रेलिवेंट फैक्ट्स आर टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। दूसरा कि फॉर डिक्लेयरिंग दैट व्हाट आर द फैक्ट्स, कौन कौन से फैक्ट्स हैं विच आर टू बी टेकन, जिन्हें कोर्ट एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी फर्दर प्रूफ के, बिना किसी फर्दर एविडेंसेस के। फॉर डिक्लेयरिंग दैट ओनली लीगल एविडेंसेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड, केवल हम कोर्ट में लीगल एविडेंसेस को ही प्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट कहता है उन चीज़ों के एक्सक्लूजन के लिए विच इज नॉट लीगल, जो कि क्या है, लीगल नहीं है, यानी दोज थिंग्स विच आर नॉट लीगल मस्ट नॉट बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। इन सभी चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, एक जनरल रूल्स का कलेक्शन, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे डिफाइन करता है एविडेंस को या लॉ ऑफ एविडेंस को, आइए समझते हैं। देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है द लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट अफेक्ट द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टी। लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट अफेक्ट द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टी। जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स को अफेक्ट नहीं करता है, यानी राइट्स इन रिलेशन टू दियर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, उन राइट्स को अफेक्ट नहीं करता है जो कि दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में, जो कि ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स को, यानी उनके पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करता है। इट लेज डाउन द लॉ फॉर फैसिलिटेटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, बट इट ओनली लेज डाउन लॉ फॉर फैसिलिटेटिंग कोर्स ऑफ जस्टिस, यही क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस है। लॉ ऑफ एविडेंस केवल उन सभी लॉज के बारे में बात करता है जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ जस्टिस, हम जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जो एविडेंस एक्ट है ये अपने आप में उन सभी रूल्स ऑफ एविडेंसेस को होल्ड किए हुए हैं जो कोर्ट को हेल्प करते हैं इन रीचिंग द राइटफुल डिसीजन। ऑलराइट, ओके। तो ये है हमारा क्या, एविडेंस। तो एविडेंस को आप डिफाइन करते हुए इन सभी चीज़ों को वहाँ पे लिख दोगे। चलिए अब हम एविडेंस को एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं और फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, एविडेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, हमने जाना था कि एविडेंस मीन्स थिंग्स इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, राइट, मेकिंग अदर थिंग्स, जो दूसरे चीज़ों को क्या करती हूँ, स्पष्ट करती हूँ, क्लियर करती हूँ, मेकिंग अदर थिंग्स क्लियर एंड
एविडेंट, क्या कहलाएगा? एविडेंस कहलाएगा। जैसे सपोज ए, ये है पर्सन ए, ए सूट बी, ए ने बी के खिलाफ एक केस फाइल किया फॉर रुपीज 5000, ये कहते हुए कि बी ने मेरे से इस पर्टिकुलर डेट पर 5000 रुपीज लिया था, जो पैसा बी ने अभी भी मुझे रिटर्न नहीं किया है। अब देखो बी कहता है ही हैज रिटर्न द मनी, बी कहता है ही हैज रिटर्न द मनी। देखो अगर आप बात करो कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में फैक्ट इन इशू क्या है, तो फैक्ट इन इशू क्या है वो इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, ध्यान समझना। फैक्ट इन इशू यानी वो फैक्ट जो एट प्रेजेंट इशू में बना हुआ है उसे हम कहेंगे फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट जो एट प्रेजेंट मैटर में बना हुआ है उसे हम कहेंगे फैक्ट इन इशू या मैटर इन इशू। तो एट प्रेजेंट कौन सा फैक्ट है जो इशू में बना हुआ है? तो फैक्ट ये है कि whether B has returned the amount taken from A or not, तो ये कहलाएगा fact and issue। तो वो सभी facts या वो सभी चीज़ें या वो सभी means जो किसी भी manner में directly या indirectly fact and issue को clear करती हूँ वो कहलाएंगे evidence, ठीक है? Okay, अब ज़रा सोचो, B कहता है कि B ने पैसे return कर दिए हैं। अब बी अपने इस स्टेटमेंट के फेवर में क्या करता है, एक लेटर प्रोड्यूस करता है, एक लेटर प्रोड्यूस करता है जिस लेटर में ए ने अपना एक्सेप्टेंस दिया रहता है राइटिंग में कि बी ने उसे इस पर्टिकुलर डेट पर 5000 रुपीस पे कर दिया था और इस पे ए का सिग्नेचर भी रहता है। दिस इज व्हाट, ये एक लेटर है और ये एविडेंस के किस कैटेगरी में आएगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के कैटेगरी में आएगा, राइट? ये लेटर है जो कि क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो ये चीज़ क्लियर कर दे रहा है कि बी ने ए से लिए हुए पैसे को इस पर्टिकुलर डेट पे लौटा दिया है। तो अ थिंग विच इज मेकिंग द फैक्ट एन इशू क्लियर नोन एज एविडेंस, क्या होगा? एविडेंस कहलाएगा, ठीक है? ओके, आई होप कि एविडेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। अगर आप पर्सनली पूछोगे ना लॉ का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो है मेरा लॉ ऑफ एविडेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, तो अगर आप चीज़ों को समझते हुए चलते हो, ठीक है? चलिए तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। डिफरेंट kinds of evidences, देखो what are the different kinds of evidences। सबसे पहला आप देखो primary evidence, secondary evidence, hearsay evidence, ठीक है? oral evidence, real evidence and personal evidence। documentary evidence, indirect ya circumstantial evidence, indirect or circumstantial evidence। इनडायरेक्ट और सरकमस्टांशियल एविडेंस, फिर आप लिखो कंक्लूसिव एविडेंस और अब आप लिखो डायरेक्ट और पॉजिटिव एविडेंस। डायरेक्ट और पॉजिटिव एविडेंसेस, ठीक है? ओके, तो क्या क्या डिफरेंट काइंड्स हैं एविडेंसेस के? तो पहला प्राइमरी एविडेंस, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस, हियरसे एविडेंस, ओरल एविडेंस, रियल एविडेंस एंड पर्सनल एविडेंस,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कंक्लूसिव एविडेंसेस, डायरेक्ट और पॉजिटिव एविडेंसेस, और लास्ट है हमारा इनडायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। अब चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए प्लीज़, ताकि आपका एंगेजमेंट बढ़े और हमारा जो रीच है वो बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।